नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल है, चाहे वह व्यवस्थाओं को लेकर हो या चारधाम में होने वाली मौतों को लेकर हो। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो इस बार रजिस्ट्रेशन है, अभी आपने वो कंपलसरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने के बाद कई तरह के जो श्रद्धालु हैं वो ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और उनके ऊपर वो भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं और आप कैपिंग लगा रहे हैं तो अब हम कहां जाएं, इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि सारे के सारे रजिस्टर्ड होने के बाद चारों धाम में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी है। जैसे हवाई जहाज के अंदर 100 यात्री बैठते हैं तो आप उसमें 200 यात्री नहीं बैठा सकते हैं, तो उसमें वेटिंग लिस्ट होती है। तो निश्चित रूप में यहाँ लोगों ने रजिस्टर किया है, लोगों को जानकारी प्राप्त करना चाहिए। पहाड़ बड़ा संवेदनशील होता है और आपको पता है कि आप मैदानी इलाके से आप जा रहे हैं, पहाड़ पर जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है। कोरोना ने भी प्रभाव डाला है, हमारे लंग्स को इफेक्ट किया है। तो सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये आग्रह करूँगा सभी पर्यटकों से कि स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ही यात्रा प्रारंभ करें। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो शौचालयों की कमी देखी जा रही है, महिलाओं को स्पेशली बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें ऐसा है कि शौचालय बने हुए हैं, जगह जगह स्थान पर बने हुए हैं, आप उनका उपयोग करें। हमने होटल वालों से भी आग्रह किया है कि अपने शौचालयों को आम जनता के लिए खोलें ताकि लोग वहाँ पर जो है उसका फ़ायदा उठा सकें। और निश्चित रूप में सारे व्यवस्था हमारी है, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। पर हम ये आग्रह करना चाहेंगे पर्यटकों से कि किसी बात को छुपाएं नहीं, अगर आपको बीमारी है तो आप बताएं और अपने आप को एक्सर्ट ना करें। ज़्यादा एक्सर्ट करने से ठीक नहीं रहता है। आपको पता, जो ले लद्दाख जाते हैं तो दो दिन तक तो उनको आराम करना पड़ता है, क्लाइमेटाइजेशन होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ का जो पहाड़ का जो दबाव है, प्रेशर है, और ख़ासकर आजकल भी समाज में जो प्रेशर है, कोरोना का जो इफेक्ट है, वो सब चीज़ को देखते हुए हम जब परामर्श करेंगे डॉक्टर से तो उसके परामर्श के बाद ही हम यात्रा करें तो उचित होगा। चारधाम पे होने वाली मौतों को लेकर विपक्ष ने सरकार के ऊपर सवाल उठाया था, आप अभी विदेश गए हुए थे तो उसको लेकर भी सवाल उठा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी परीक्षण करवाए अपना। आपको पता, अगर हम मास्क लगा लेते हैं तो वैसे भी दम घुटने लगता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो ये सब चीज़ें जानकारी में हमारी आनी चाहिए और निश्चित रूप में डॉक्टर से परामर्श करने के बाद यात्रा करेंगे तो यात्रा हमारी सुरक्षित होगी। इसके बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होने वाली है, फिर से उसी रूट पर रिकॉर्ड श्रद्धालु देखे जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो बढ़ सकती हैं आगे, क्योंकि मॉनसून सीजन भी हो रहा है? नहीं बढ़ेंगी, हम लोग पूरी तरीके से वॉच कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दे दी है, हेमकुंड साहिब यात्रा भी चालू होगी और उसमें लोग जो है वहाँ जाएंगे। सभी से हमने आग्रह किया है कि अपना परीक्षण जरूर कराएं और परीक्षण के बाद ही यात्रा करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, जिन्होंने चार धाम को लेकर और उसकी व्यवस्थाओं को लेकर, उसमें हो रही मौतों को लेकर और रजिस्ट्रेशन को लेकर हमसे बातचीत की। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि पंवार, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।